राय बच्चन अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर एक बार फिर से टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं। ब्यूटी डिवा ऐश्वर्या को लास्ट टाइम फिल्म फनी खां में देखा गया था बतौर गेस्ट अपीयरेंस करते हुए, डांस करते हुए, और उनका रोल कुछ खास नहीं था, ना ही उन्हें इस फिल्म के लिए खास सराहनीय तारीफ मिली थी। लेकिन मौका मिला नहीं कि ऐश्वर्या फिर से बॉलीवुड में लौटने के लिए हो गई है तैयार। शाहिद के साथ फिल्म वो कौन थी में नजर आने को लेकर ऐश्वर्या हॉलीवुड मूवी में नजर आ चुकी है। हॉलीवुड मूवी में उन्होंने आवाज दिया है और वो है मैलिफिसेंट। हॉलीवुड तक अपने नाम को लहरा चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन बतौर मिस वर्ल्ड इस साल पेरिस फैशन वॉक में डेब्यू कर चुकी है। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन की तैयारियां रियलिटी शोज को लेकर भी है, तो इससे जुड़ी गुड न्यूज हम आपके बीच लेकर आए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज ले चलूंगी आपको बच्चन परिवार को लेकर आई बहुत ही बड़ी गुड न्यूज की तरफ। गुड न्यूज ये है कि जया बच्चन जो है ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ कभी भी लड़ाई झगड़े को लेकर वैल्यू उस तरह की अफवाहों को नहीं देती। गुड न्यूज ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी सासू माँ जया बच्चन की लाडली है और इसका खुलासा बहुत जल्द होगा आप सभी के बीच। खुद जया बच्चन नजर आएंगी आपके बीच और इस बारे में तमाम बातें करने वाली है, तो इंतजार किस बात का है, चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं सास बहू के रिश्ते की खूबसूरत बातें। जया बच्चन ने बड़ी ही खुशखबरी के साथ इसका ऐलान कैसे किया है, देखिए खास रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस खास रिपोर्ट में बच्चन परिवार को लेकर आई बड़ी खुशखबरी के बारे में। आपने बीते कई सालों से सुना होगा, सुनते ही आ रहे होंगे आप कि ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ जया बच्चन के रिश्ते मतभेद में बदल गए हैं, जया और ऐश्वर्या के बीच अच्छी नहीं बनती है। लेकिन सुनकर यकीनन हैरानी आपको होगी, हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि जहां अमिताभ बच्चन ने बीते कुछ दिनों पहले बीमारी से परेशान होने के बावजूद अपनी बहू ऐश्वर्या की तारीफ में कुछ बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाले शब्द लिखे ट्विटर पर, बहू को लेकर उन्होंने लिखा कि बहुओं का घर माना जाना चाहिए, इस घर की बहू है ये नहीं कहना चाहिए, यानी कि बच्चन बहू की अपनी एक अलग ही पहचान है। अमिताभ बच्चन बीमारी से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। रूटीन चेकअप के लिए मुंबई के नानावती अस्पताल में 4 दिन तक उन्हें एडमिट रहना पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पर लीवर संबंधित उनकी जब बातें हुई, उनकी बीमारी को लेकर जब चर्चा हुई, तो इससे नाराज अमिताभ बच्चन ने खुलकर अपनी नाराजगी ट्विटर के माध्यम से जाहिर की और उन्होंने बताया उनकी बीमारी और उनके इलाज को पेशा न बनाया जाए, ये उनका निजी मामला है। लेकिन निजी मामले की बात हो रही है तो बच्चन परिवार में ऐश्वर्या राय बच्चन के निजी रिश्ते बच्चन परिवार के साथ कितने गहरे हैं, हम आपको आज बताएंगे और सुनकर यकीनन आप भी खुश हो जाएंगे। दरअसल अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या से लेकर श्वेता और अभिषेक सब साथ नजर आएंगे एक बार फिर से, पहली बार यूं कह लीजिए कि पहली बार, तो सुनकर आपको यकीन ना हो लेकिन कुछ दिनों पहले वो वीडियो शेयर किया गया था, एक प्रोमो कॉफी विद करण शो का। बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के फेमस चैट शो कॉफी विद करण में लास्ट ईयर तो अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नजर आए थे साथ और उन्होंने अपने घर परिवार के बारे में तमाम बातें की थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा लेकिन इस बार जया बच्चन खुलकर बात करने वाली है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन जो कि बच्चन परिवार के सभी जाने माने चेहरे हैं, एक साथ होंगे। पहली बार ऐसा होगा जब इन सभी को साथ देखा जाएगा, इन सभी को साथ देखने का इंतजार सभी कर रहे हैं। तो आपको बता दें इस मौके पर खुलेगा राज, जया बच्चन का रिश्ता ऐश्वर्या के साथ बहुत गहरा है। जया बच्चन वही है जिन्होंने बहुत पहले ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर अपना गुस्सा मीडिया पर निकाला था। जब उन्हें लेकर ऐश ऐश कहा जा रहा था तो जया बच्चन ने अपना गुस्सा निकालकर मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा था कि ऐश नहीं वो ऐश्वर्या है, ऐश क्यों कहते हो। वहीं शाहरुख और सलमान की लड़ाई जब ऐश्वर्या को लेकर हुई थी तब भी जया बच्चन इतनी खफा थी कि उन्होंने कहा था कि उनका अगर बस चले तो वो शाहरुख खान को थप्पड़ भी मार सकती थी। उनकी बहू को लेकर उन्होंने बचकानी हरकतें की, उनका नाम लेकर। अपनी बहू को लेकर हमेशा ही सपोर्टिव रहने वाली जया ऐश्वर्या राय बच्चन से बहुत प्यार करती है। उन्होंने बड़ी खुशखबरी दी है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर तैयार है, इसे लेकर जया बच्चन को कोई आपत्ति नहीं। प्रोमो वीडियो में अमिताभ बच्चन जहां झूमते हुए अपने पिता का नाम लेकर खूब झूमते नजर आते हैं, तो वहीं बिग बी का पूरा परिवार करण जौहर के चैट शो में
खुलकर बात करते हुए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर करता है। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले आपने शायद सुना ना हो, लेकिन ये सच है। जी हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। ऐश्वर्या हो या फिर अमिताभ बच्चन, श्वेता नंदा बच्चन हो या फिर अभिषेक बच्चन या फिर जया बच्चन, अब तक आपने तमाम शोज में सभी को देखे होंगे, लेकिन अलग अलग जगह पर। साल 2007 में जया बच्चन नजर आई थी, तो वो उस वक्त वो हेमा मालिनी के साथ पहुंची थी अपनी बेटी श्वेता को लेकर। साल 2010 में अभिषेक बच्चन पहुंचे थे ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ। इसके अलावा अगर बात की जाए साल 2018 की, तो श्वेता और अभिषेक साथ नजर आए। वहीं अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन इस शो में साल 2004 में शिरकत करते नजर आए। इसके बाद पहला मौका साल 2019 का है जब सभी को आप साथ देखेंगे। अमिताभ बच्चन तब अपनी बेटी श्वेता के साथ नजर आए थे, लेकिन इस बार बहू के साथ सास ससुर को आप देखने वाले हैं, और ये बड़ी खुशखबरी बच्चन परिवार के लिए आ गई है। बताना चाहेंगे इसी के साथ साथ आपको खबर ये भी है कि जया बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन की तारीफ कर उनके लिए ये कहती है कि वो बहुत प्यारी है, उनसे वो बहुत प्यार करती है। जया बच्चन का ये तारीफ करना काफी ज्यादा बेहतर माना जाता है ऐश्वर्या राय बच्चन की करियर के लिए, जिनकी करियर के बीच उनकी सासू माँ कभी नहीं आई। आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर जया बच्चन ने तारीफ में ये भी कहा, वो बहुत बड़ी स्टार है और उनके घर के लिए बिल्कुल फिट है। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी उपलब्धि ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए क्या हो सकती है कि उनकी सासू माँ उनकी ऐसी तारीफ करती है। सुना आपने अपने कानों से और जाना आपने जया बच्चन ऐश्वर्या की खूबसूरत बॉन्डिंग के बारे में। स्वीट गेस्चर, ऐश्वर्या के स्वीट गेस्चर की वजह से ही जया काफी इंप्रेस्ड रही, जिसके बाद जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन को हमेशा उनकी करियर में उनका सपोर्ट किया है। एक सासू माँ होने के नाते उन्होंने हमेशा अपनी बहू को अपने घर में उनकी खास जगह को बनाए रखने के लिए उनका सपोर्ट किया है। आगे की रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे हम और जानेंगे जया बच्चन को कैसे ऐश्वर्या ने दिल जीत कर उनका हमेशा ही खुश रखा है। बच्चन बहू का स्टारडम जो बॉलीवुड में आज भी मेंटेन है, इसमें बच्चन फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा है, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का बड़ा योगदान रहा है। आज जो ऐश्वर्या राय बच्चन की तवज्जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में दी जाती है, ऐश्वर्या राय बच्चन की जो इमेज है, जो पर्सनालिटी है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चन फैमिली का बड़ा हाथ है। लेकिन ऐश्वर्या ने भी इसके लेकर काफी मेहनत की है। इस तरह से आइए देखते हैं दूसरी रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस खास रिपोर्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के रिश्ते के बारे में। कैसे ऐश्वर्या ने जया बच्चन को इम्प्रेस कर दिया था, हम आपको बताएंगे। साल 2007 में जब ऐश्वर्या और अभिषेक की अचानक शादी का ऐलान हुआ, तो सभी हैरान रह गए। जिस ऐश्वर्या और अभिषेक के अफेयर को लेकर भी बात नहीं होती थी, जिस ऐश्वर्या अभिषेक ने फिल्मों में काफी ज्यादा रोमांस तक नहीं किया था, इससे पहले जिन्होंने एक दूसरे के साथ कभी डेटिंग को लेकर भी चर्चा में खुद को नहीं आने दिया, आखिर कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में अचानक बनने का फैसला ले चुके थे। सवाल तमाम थे, लेकिन जवाब एक ही था। ऐश्वर्या राय बच्चन के मीडियम फैमिली के साथ रहने की वजह से, एक मीडियम फैमिली से ताल्लुकात रखने की वजह से ऐश्वर्या के व्यवहार ने जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का दिल जीत लिया था। अमिताभ के साथ ऐश्वर्या ने फिल्में तो पहले भी की थी, और उनकी बेटी की भूमिका मोहब्बतें फिल्म में ऐश्वर्या ने निभाया था, और इसलिए अमिताभ बच्चन की दिल की ऐश्वर्या बेहद करीब है। बात अगर जया की जाए, तो जया बच्चन एक ऐसी बेटी की तलाश कर रही थी, एक ऐसी लड़की की तलाश में थी जो उनके बेटे अभिषेक को एक पत्नी का प्यार दे, उनकी सच्ची साथी बने, साथ ही साथ घर की बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रहे, बच्चन परिवार के कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करें, और ऐश्वर्या में ये सारे गुण जया बच्चन ने देख लिए थे। एक मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुकात रखने की वजह से ऐश्वर्या को कल्चर ट्रेडिशन और फैमिली के वैल्यू का अच्छा अंदाजा था। यही कारण है कि जया को इम्प्रेस करने में ऐश्वर्या ने अपनी कामयाबी बटोरी ली थी। बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है ऐश्वर्या और जया की, क्योंकि जया बच्चन जिस तरह से अपनी बहू को रखती है, ऐश्वर्या भी अपनी सासू माँ के साथ उसी तरह से ट्रीट करती है। आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या ने अपनी बेटी और अपनी सासू माँ की एक फोटो शेयर की थी और लिखा था हमेशा खुशहाली, यानी कि अपनी सासू माँ और अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल में वो काफी ज्यादा खुश है। जी हाँ, कुछ इसी तरह से बच्चन बहू ऐश्वर्या ने अब तक बच्चन फैमिली में अपनी जगह को, अपनी अहमियत को बनाकर रखा है, और सोशली जो कई बार कई तरह के
ट्रॉलिंग का शिकार होती हैं, वो अपनी फैमिली और अपनी फिल्मी लाइफ को मेंशन करती आई हैं। ऐश्वर्या और जया बच्चन से लेकर अमिताभ, श्वेता तक, अभिषेक बच्चन तक सभी नजर आएंगे आपके बीच। इस बार बच्चन फैमिली से जुड़ी तमाम बातें को शेयर करने के लिए तो कीजिए इंतजार उस शो के टेलीकास्ट होने का। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, लौटेंगे जल्द फिल्मी दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपके बीच लाने के लिए। नमस्कार।